नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ लीलावती जी हैं जो 50-55 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। जानते हैं इनसे इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी संस्था के लिए। लीलावती जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 50-55 सालों में आ रही हैं आप डेरा सच्चा सौदा। हाँ जी, 50-55 साल हो गए। कितना विश्वास करते हो गुरु जी के? हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करते हम तो विश्वास। हमारा सारा परिवार विश्वास करा। क्यों विश्वास करते हो? आपकी जिंदगी करा, हमने इतना कुछ दिया, इतने तो हमने कोई नहीं दे सकता, इतना हमारे बच्चे भी नहीं दे सकते मानो। अरे हमने ऐसा दर आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखे। हम दुनिया में घूमे, हमारे पिछले जो बुजुर्ग थे बहुत भक्त थे मैं तो, हम दुनिया में घूमे हैं, हमने ऐसा दर नहीं कहीं देखा और ना ऐसा गुरु सुनया कहीं से। सत्संग बतेरे सुनते हैं, देखते हैं, पर देखो जी बस हमने तो पूरा विश्वास अपने मालिक पर, हमने बहुत कुछ दिया। हम तो बिल्कुल आज बेटी आली लगने जोगे थे किसी का, और आज हमारा दो दो गड्डियाँ खड़ियाँ और कोई हिसाब किताब नहीं रहे जितने इसने मानो दिया। हम कैसे बोलना इसनो? सुरक्षा कैसी है लड़कियों की आश्रम में? बढ़िया, जो मीडिया में दिखाया जा रहा था, टीवी में दिखाया, गलत सारा, पैसे दे दे का जो आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए गए, सब पैसे दे दे कल गुआया, उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने पैसे चाहिए थे होले कार्ड कार्ड को उन्होंने वहाँ बयान कर दिए। क्यों इस तरीके से क्यों किया जा रहा है गुरुजी? उन्होंने यूँ किया जा रहा था, सरकार ने यो डरता भी इसकी 7 करोड़ संगत होगी, अगर जे इलेक्शन में खड़े भी हो गया तो ता जिंदगी किसी का भी राज नहीं आने का, ये सारी दुनिया पर यही राज करागा। सरकार ने यह पीड़ हुई थी, हर एक ये नशा छिटवा रहा था नशे वाले नो होगी, मीट छिटवा रहा था मीट वाले नो होगी, ये चक्कर था ना। मैं सबको यही समझाऊंगा भी इसके ऊपर कोई दर नहीं है जी, और ऐसा कोई संत नहीं होगा। आपसे कोई दान चढ़ावा पैसा लिया जाता है? नहीं लिया जाता, मालिक ने कभी मारे से 2 पैसे नहीं लिए। अपने गांव में चाहे हम पैसा इकट्ठा करके कोई नाम चर्चा घर बनावा, कोई गरीबा की शादियाँ करा, बीमारा के इलाज करावा, गरीबा के बच्चों पढ़ावा, हम तो ये कुछ करते हैं। अरे ही मनो सिखाया इसने, और सबका शुक्राना करा भी सब नो एक समझा, ऐसे हमारे मालिक हैं। हमने तो बहुत शिक्षा दी महाराज। 4 साल होने वाले हैं अब गुरुजी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है अब समाज के ऊपर उनके ना रहने से? क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज? बहुत ज़्यादा पड़ रहा, सारी संगत दुखी है, उनके सारी संगत दुखी है। हम तो रो रो के टाइम काट रहे भी कद आ जा मालिक मारे, कद आ जा महाराज मारे, यार तब बचेंगे। अब हम दिन रात नहीं रो रहे, हम बुजुर्ग हो गए, क्या पता हम जिंदगी में दर्शन कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। जरूरत है उनकी समाज? हाँ हमने जरूरत है उसकी। क्या मांग करोगे सरकार से? बस हमने तो महाराज चाहिए, हमने और कुछ नहीं चाहिए, अपना मालिक चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपील की जा रही है आम जनता के द्वारा कि संत जी समाज में वापस आने चाहिए, गरीबों के मसीहा हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम भीम सिंह जी, उनकी समाज को सख्त जरूरत है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम।